रुद्राक्ष का पेड़ लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये कोई फल है। ये देखिए जी, तो ये है मेरे घर के पास वाला पार्क। देखिए कितना सुंदर बना हुआ है, उधर झूले बने हुए हैं, वो मंदिर है, वो झूले हैं, इधर सारी एक्सरसाइज मशीन बनी हुई है, ये बैठने के लिए कुर्सियां हैं, पेड़ पौधे लगे हुए हैं पूरे में, अच्छी हरियाली है सब जगह। और लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये तो इसका एक पहलू है, अभी मैं आपको इसका दूसरा पहलू दिखाता हूँ, ठीक है। और तो चलते हैं आगे और दिखाता हूँ आपको दूसरा पहलू इसको, इस पार्क का, मतलब इस पार्क का, ग्वालियर के हर पार्क में यही होता है। तो मैं ये नहीं कहता कि पार्क गंदे नहीं होते, लेकिन इतने भी गंदे नहीं होते कि कोई उधर आए ही ना। यहाँ पड़ी हुई है बैठने के लिए, लेकिन साथ ही साथ देखिए ये है इधर का नज़ारा। और एक चीज़ और दिखाऊँ, इधर जब लोग बैठते हैं तो उधर पुड़िया खा के थूकते भी हैं, पूरा लाल पड़ा है। ये देखिए ये है इधर का नज़ारा, मतलब कोई कसर नहीं छोड़ते वो पार्क को गंदा करने के लिए। बहुत से उत्पादी आते हैं इधर, ये देखिए ये पूरा ज़मीन लाल पड़ा हुआ है थूक से ये। और चलते हैं आगे, अभी एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको। पार्क में बच्चे आते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, सब करते हैं। तो ये है इधर का असली नज़ारा, बोतल पड़ी हुई हैं, पाउच पड़े हुए हैं, और सीट के नीचे देखिए क्या पड़ा है, दारू का पौआ। तो ये है असली नज़ारा इधर पार्क का। बाकी आप सब जानते हैं कि पार्क किस लिए होते हैं। बाकी आप इधर से देखेंगे तो कितना सुंदर लग रहा है देखने में, लेकिन इसकी गहराई में जाएंगे तो बहुत से राज दफन है इस पार्क में। बहुत से लोग शाम को आके उधर उत्पाद मचाते हैं, दारू पीते हैं, दारू पियेंगे ही, मतलब ये डला है तो पियेंगे। ये देखिए ये डला हुआ है तो पियेंगे ही। और हर चेयर के बगल में आप पुड़िया के थूकने के निशान मिल जाएंगे। ये देखो इस साइड में भी ये पड़े हुए हैं पुड़िया थूकने के निशान, बगल में चेयर, पूरा आनंद मिलता है। मतलब उन्हें ग्वालियर में आहाता बंद कर दिए, लेकिन पार्क में बैठना बंद नहीं किया, वो चालू हो गया। ग्वालियर में जितने आहाता थे सारे बंद कर दिए, लेकिन व्यवस्था नहीं संभाल पाई अभी तक, जो व्यवस्था होनी थी वो नहीं कर पाए। पार्क में बैठने लगे अब सब लोग आहाता छोड़ के। तो प्लीज़ अगर मेरी वीडियो किसी अधिकारी पर पहुँच रही हो तो इस पर ज़रूर गौर करें। बाकी चलते हैं घर पर, किसी काम से आए थे इधर, क्योंकि अंशु और अंशु तो स्कूल बराबर जाता, सूर्यांश जाने में नौटंकी करता था, जब मैं घर पर होता था तो ज़्यादा नौटंकी करता था वो, इसलिए मुझे घर से बाहर आना पड़ा। वो स्कूल चला गया, फ़ोन आ गया, चलते हैं घर पर। तो रास्ते में जाते जाते एक पेड़ दिखा जो टूटा पड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि सारे रुद्राक्ष हों, रुद्राक्ष का पेड़ लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये कोई फल है। ये देखिए ये कोई फल है, रुद्राक्ष नहीं, लेकिन लग रुद्राक्ष रहे हैं। मैं भी पहली बार आया तो मैं भी देखने लगा कि रुद्राक्ष ऐसे पड़े अंदर इतने सारे, लेकिन पास में आके देखा तो कोई फल है। तो चलिए चलते हैं यहाँ से घर की ओर। हमारे घर के पास वाले मंदिर पर महाकाल रैली का आयोजन किया गया और यहाँ प्रसाद बढ़ रहा है, लेकिन सबसे गंदी बात क्या लगी मेरे को इसमें, ये जो प्रसाद थाल लेते हैं और प्रॉपर लेते नहीं हैं। ये देखिए रखा हुआ है, बाकी सब जो है फेंक दिया प्रसाद। तो प्रसाद का असली महत्व जो होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए पहले रैली कितनी बड़ी है, और प्रसाद का असली महत्व होता है प्रा मतलब स्वयं प्रभु। प्रसाद लेने के बाद तो फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि स्वयं प्रभु का प्रसाद वो भी या तो लो नहीं, या लो तो उसे खाओ, फेंको नहीं। तो ये देखिए ये है रैली, कितनी भीड़ है। और अभी मेरे साथ था सूर्यांश और मंजू, सब्जी लेने के लिए आए थे, अब कॉपी राइट सॉन्ग बज रहे हैं, घर ब्लॉग बंद करना पड़ेगा। ये देखिए महाकाल की सवारी ग्वालियर में। तो हमको
हिमांशु से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है और फाइनल पूछना है उससे कि उसने गलती की कि नहीं की और वो बात सत्य है कि नहीं है। बता बिल्कुल सही बता ना, कोई दिक्कत नहीं हो, ध्यान करना। नहीं बेटा बहुत पिटेगा, सही सोच समझ के, ठीक है ना। ये समझना कि अगर ये तू जवाब दे रहा है ना, वो जवाब तेरा सही हो, ठीक है ना। क्या तुम्हारे टूट पीट में नमक है? नहीं। डर गया ना तू, वे दस्त निकल जाते। कैसे हंस के दिखा वो तेरे दांत? दिखा 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 एक बार, दिखा 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 दिखा। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, मुस्करा 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 मुस्करा। तो हेलो एवरीवन, एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और नए दिन की शुरुआत हुई है देखिए पटली से, हाँ यानी कि रेलवे ट्रैक से। अभी मैं आया हूँ रेलवे ट्रैक पर। ट्रैक पे आने का मुख्य कारण यही है कि मुझे सूर्यांश को घर पर छोड़ के आना पड़ता है, कहीं ना वरना वो स्कूल जाने के लिए आना कानी करता है। इसलिए मुझे कल भी निकलना पड़ा था, कल के ब्लॉग में इतना ज़्यादा खास था नहीं, इसलिए पूरा ब्लॉग बना नहीं, तो आज दूसरा ब्लॉग चालू किया है वहीं से, तो आप ये भी उसी पार्ट में जोड़ दूंगा। मेरे घर से इतने पास में है, पहले जब डेवलपमेंट नहीं हुआ था तो मेरे घर से ट्रेन दिखती थी आते जाते हुए, रेलवे ट्रैक तो नहीं दिखता था लेकिन ट्रेन दिखती थी आते जाते हुए। तो इतने पास में है रेलवे ट्रैक, तो सुबह सुबह घूमने के लिए बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं। मैं भी आ गया आज, मैंने भी देखा कि चलो जाके देखते हैं कैसा लगता है। देख रहे हैं ये है वही जगह जहाँ अपने खड़े होकर वंदे भारत ट्रेन देखी थी। से लोग यहाँ पर दो नंबर भी करने के लिए आते हैं, हालांकि मेरे ऐसा कोई इरादा नहीं है, मेरे घर पर तो सुविधा है, लेकिन बहुत से लोगों को आदत पड़ी हुई है यहाँ आने की, उनके यहाँ होने के बावजूद भी यहाँ आते हैं। आधा किलोमीटर भी नहीं होगा और आधा किलोमीटर की दूरी पर ही रेलवे स्टेशन है। और अभी सूर्य देवता पूरी तरह से निकले नहीं हैं, ये देखिए अभी निकलना बाकी है उनको तो, और अभी कुछ ही देर में सामने रेलवे स्टेशन है, वहाँ से ट्रेन आएगी, देखते हैं कौन सी ट्रेन आने वाली है। जो रास्ता है वो सामने बिल्डिंग दिख रही है, उधर सिग्नल बोलते हैं, उसे पहले सिग्नल दिया जाता था वहाँ से, और पटली चेंज की जाती थी सामने से, वो दिख रहा है उसको, उधर से ही रास्ता गया है मेला जाने के लिए। यानी कि हमारे यहाँ से भी मेला बहुत बहुत से बहुत आधा किलोमीटर एक किलोमीटर पड़ता है, तो ये शॉर्ट है हमारे मेले जाने के लिए, ज़्यादातर लोग यहीं से जाते हैं। दिखाता हूँ जूम करके आपको, ये देखिए वहाँ से वो दिख रहा है वहाँ से, और ऐसे रास्ता जाके और सामने ही भरता है मेला, इधर इस साइड आपको झूले दिख जाते हैं मेले में। जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर आते हैं लोग दो नंबर के लिए, ये देखिए हाथ में बोतल। घर है दो स्टेशनों के बीच में बना हुआ है, इस साइड है बिरला नगर स्टेशन और इस साइड है अपना ग्वालियर का मेन स्टेशन। दोनों स्टेशन की दूरी मेरे घर से करीबन आधा आधा किलोमीटर है, तो हम लोग बहुत बार पैदल जाते हैं उस स्टेशन के लिए, लेकिन इस ट्रेन पर अब ट्रेन नहीं रुकती, सिर्फ पैसेंजर रुकती है, और बड़े स्टेशन पर सारी ट्रेनें रुकती हैं, कहीं भी जा सकते हैं आप। एक ट्रेन आने वाली है सामने से, जो ट्रेन आ चुकी है, देखते हैं कौन सी ट्रेन है ये। कर्नाटक एक्सप्रेस यशवंतपुर टू हजरत निजामुद्दीन, अभी ये जा रही है हजरत निजामुद्दीन, यानी कि हजरत निजामुद्दीन जाने का मतलब है ये ट्रेन आई है यशवंतपुर से, और लगभग आप यहाँ बैठ के सारी ट्रेनें देख सकते हैं, कौन सी ट्रेन कितने बजे आती है जाती है सब कुछ। और ये सामने देख रहे हैं आप, ये है यार्ड, यहाँ पर बहुत सी ट्रेनें धुलती हैं, यानी कि बरौनी और बहुत सी ट्रेनें, मतलब बरौनी तो कॉमन हो गई, बरौनी के बाद आपका इंदौर जाने वाली, उज्जैन जाने वाली लिंक एक्सप्रेस, सारी ट्रेनें यहाँ पर सफाई होती है, और फिर शाम के टाइम यहाँ बरौनी सुबह जाती है। और एक और ट्रेन आ गई हमारे पीछे से, ये देखते हैं कौन सी ट्रेन आई है, अब इंतज़ार करते हैं इसका, हॉर्न आ गया इसका, आ जा आ जाओ। ये है मालगाड़ी, ये देखिए डीजल इंजन में है मालगाड़ी, डीजल इंजन लगा हुआ है। चलते हैं अब पार्क की तरफ, तो थोड़ा पार्क में घूमेंगे, उसके बाद जाएंगे घर पर, जब तक सूर्यांश से स्कूल जाने का टाइम हो जाएगा तो स्कूल भी निकल जाएगा वो।
तो कुछ इस प्रकार का रोड है। तो अदर डे ये पार्क बिल्कुल सुनसान रहता है, पूरे झूले और पार्क में कोई भी बच्चा नहीं देखता है। और संडे वाले दिन जो पूल फुल भर जाता है, जैसे कि अभी देख रहे हैं अभी सारे बच्चों को स्कूल का टाइम है तो पूरा पार्क खाली पड़ा है। बाकी मैंने कल जो आपको वीडियो दिखाई थी उस वीडियो का अंश आज तक यहाँ डला हुआ है, पता नहीं सफाई हुई कि नहीं हुई। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये कल का है या फिर नया डला हुआ है। तो चलिए चलते हैं आगे, दो चक्कर लगाते हैं और चलेंगे घर पर, जब तक सूर्यांश के स्कूल जाने का टाइम हो जाएगा, वो निकल भी चुका होगा उस टाइम।